दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ अगस्त मासिक टेस्ट 2022-23 का हल। इस वीडियो के माध्यम से मासिक आंकलन 2022-23 जो आपका चल रहा है, यहाँ पर माह है अगस्त 2022, कक्षा 10वीं के विषय अंग्रेजी के सभी प्रश्नों का उत्तर देखने वाले इस वीडियो में। पहले वाले वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का हल देख चुके हैं। यहाँ पर कक्षा 10वीं के हमने 2 और 3 पेपर लगभग डाल दिए हैं यहाँ पर, तो उनको अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो के एंड में आपको दे दिया जाएगा वीडियो, तो आप वहाँ पर क्लिक करके सही वीडियो को एक साथ में देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम अगले वाले वीडियो हैं वो देखने वाले हैं यहाँ पर, और भी यहाँ पर जो सब्जेक्ट रह चुके हैं उनके भी आपको बहुत जल्द सलूशन मिलने वाले हैं। तो वीडियो को सब्सक्राइब, यहाँ पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो यहाँ पर जो आपका कक्षा 10वीं का इंग्लिश का पेपर के क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर 20 नंबर, यहाँ पर 25 नंबर के यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं अंक। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो हम पहले वीडियो में यहाँ पर बता चुके हैं, यदि आप नहीं देखे हैं तो आप वहाँ पर जाकर इसको देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर नहीं, इसी में देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है रूम इज हाउस दैट इज यूज्ड फॉर सिटिंग और एंटरटेनमेंट, गेस्ट इज अ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आंटी जान गेव जेली एंड जैक अ चेक ऑफ एज अ वेडिंग प्रेजेंट, कितने का दिया था, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2000 पाउंड्स यानी डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया तीसरा, तो तीसरे में हमें क्या दिया है क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। माई मदर ऑल द वर्क इन अवर हाउस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन दिया है आपका डू डिड डज और डन, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा डज, क्योंकि यहाँ पर आपको जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा ये बात। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया चौथा, तो इसको पढ़ लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, चौथा क्वेश्चन हमारा दिया गया है व्हाट डिड द टीचर आस्क बीइंग कर्ट ऑफ टू डू, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए टू लाइन अप फोर पाई यानी पीई। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन पाँचवा हमारा दिया गया यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर डिटरमाइनर के ऊपर दिया गया है, यानी वुड यू लाइक टू हैव खाली स्थान कॉफ़ी, तो इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं एनी मैनी नो और सम। जब भी कोई आपका बाकी यदि बिल बुड कैन कुड से स्टार्ट होता है तो वहाँ पर हमें सम का यूज करना होता है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है यहाँ पर, तो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं आपके कितने नंबर के यहाँ पर, इनको भी देख लेते हैं। तो मार्क्स के ऊपर ये क्वेश्चनों के आंसर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर दिए गए हैं क्वेश्चन आपके 8 नंबर के दिए गए हैं, मतलब पहला और दूसरा आपका 3-3 नंबर का है, और लास्ट का आप जो तीसरा क्वेश्चन है वो आपका कितने का है, 2 नंबर का, यानी पहला और दूसरा 3-3 का और लास्ट वाला आपका 2 नंबर का हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है व्हाई डिड आंटी जान जैन से दैट सी वुड टेक अ बस रेयर देन गो बाय जैक्स कार, तो इसका आंसर देख लेते हैं पहले, तो क्या दिया गया हमारा, तो ये रहा इसका आंसर, ठीक है, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। तो ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ से, ये क्वेश्चन दिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ पर इसको नोट डाउन नहीं करना है, यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे आप आंसर से, तो यहाँ आंसर से लिखना स्टार्ट करेंगे, आंसर डाल के यहाँ से लिखेंगे ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ जैक एंड जिल वाज ऑन द इंस्टॉलमेंट एंड दिस मेड आंटी जान ब्रेड द कार सी कार ही हैड डोंट डिड नॉट यानी डोंट यहाँ पर डिडंट बिलोंग टू हिम कम्प्लीटली एंड ही ऑनर्ड ओनली स्टीयरिंग व्हील एंड अ टायर, तो यहाँ तक आंसर हो जाएगा इसका, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ से आपको आंसर राइटिंग करनी है, यहाँ से आंसर से ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ऊपर आपका। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या दिया गया है सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है इसको भी पढ़ लेते हैं यहाँ पर। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया है यहाँ पर व्हाट डिड जिल डू विथ द 10 पाउंड चेक प्रेजेंटेड बाय आंटी जान, यानी जो आंटी के द्वारा दिया गया चेक था उसके साथ जिल ने क्या किया, तो ये रहा आपका इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको अच्छे से नोट डाउन करेंगे, तो यहाँ पर जिल थैंक्स आंट जान फॉर द प्रेजेंट, जिल वाज वेरी हैप्पी टू सी द चेक ऑफ 10 पाउंड्स सी देन सेंड्स अ चेक टू द डॉक्टर, यानी उसने डॉक्टर को यहाँ पर भेज दिया था। इसके बाद ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया यहाँ पर। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है थर्ड क्वेश्चन हमारा पूछा गया यहाँ पर, लास्ट वाला दिया है व्हाट इज एक्सक्यूज डिड वेंकन सोप गिव फॉर मिसिंग द टेस्ट मार्क्स, तो इसका क्या कारण बताया था, तो इसका आंसर देख लेते हैं, ये रहा हमारा तीसरे क्वेश्चन का आंसर।
अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए यहाँ से। ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है आपका, द एक्सक्यूज बैंक ब्लैंक कैन सोप मेड फॉर बीइंग अब्सेंट फॉर हिज मैथ टेस्ट वाज हिज ग्रैंड मदर्स डेथ। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ये, तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं यहाँ से एक बार और दिखा देता हूँ आपको, ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर है, यानी फर्स्ट का आंसर है यहाँ से। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका ऊपर। इसके बाद ये वाला हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है इसका, और ये वाला अगला हमारा तीसरे क्वेश्चन का आंसर है यहाँ से, थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि आपने मेरा पहला वीडियो देखा है तो उसमें आपको इनके आंसर पहले ही मिल चुके होंगे, तो आप उसको जाकर देख लीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है आपका अ प्लेस वेयर अ कलेक्शन ऑफ बुक्स आर केप्ड, तो उसे क्या कहा जाता है, तो इसको पहले का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर, इसको लिख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा एल आई बी आर ए आर वाई, लाइब्रेरी हो जाएगा। अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका पहले का आंसर हमारा हो जाएगा लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी हो जाएगा इसका सही आंसर। सेकंड क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फाइंड अ वर्ड विच इज यूज्ड एडजेक्टिव इन द पैसेज, तो इसका सही आंसर आपको यहाँ पर लिखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर इसका सही आंसर है, तो इसका हो जाएगा आपका एडवेंचर। दूसरे का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, एडवेंचर, ए डी एड वी ई एन एडवेंचर टी यू आर ई, तो ये आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, ए डी वी ई एन टी यू आर ई एडवेंचर। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज गीता गीता से इंटरेस्ट इन बुक्स, तो इसका आंसर है आपको यहाँ पर कहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे आप यहाँ से, ये यह हमारे तीसरे क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे और यहाँ तक लिखेंगे लास्ट तक। ठीक है, तो इतना आपका आंसर हो जाएगा इसमें, लेकिन ये चीज़ आपको यहाँ पर छोड़ देनी है, इतनी वाली यहाँ से इतनी छोड़ देनी है आपको, यहाँ तक, यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे आप, सी लाइक्स एडवेंचर स्टोरीज एंड स्टोरीज एंड क्लासिकल स्टोरीज शॉर्ट स्टोरीज एज, यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर नीचे नहीं आंसर दिख रहा होगा, यहाँ से इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से आपको तीसरे का आंसर यहाँ पर लिखना था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, चौथा, राइट अ नोटिस अबाउट द साइकिल की विच यू लॉस्ट हैव लॉस्ट इन द प्लेग्राउंड यू आर सीमा दास क्लास ऑफ नाइन्थ, तो इसका आंसर देख लेते हैं। ये रहा आपका, यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे इसको लिखना, आपको यहाँ पर लिखना है गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल रायपुर, इसके बाद डेट डाल देंगे और यहाँ पर लिखेंगे नोट और यहाँ पर लिखेंगे लॉस्ट, किसके ऊपर लिखा हुआ है, लॉस्ट एंड फाउंड के ऊपर, तो लॉस्ट लिख देंगे यहाँ पर, तो क्या हुआ है लॉस्ट, यहाँ से लिखेंगे आप, दिस इज टू नोटिफाई यू दैट आई एम, तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये दो बार लाइन आ चुकी है इधर से, तो यहाँ से तक तो लिख लिया था हमने, आई एम सीमा दास आई स्टूडेंट ऑफ क्लास नाइन्थ सेक्शन ए, आई हैव लॉस्ट माई साइकिल की एट द स्कूल प्लेग्राउंड, टाइम बता दिया है, व्हाइल प्लेइंग विथ माई फ्रेंड्स एट द टिफिन आवर्स। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक लिख जाएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके बाद थोड़ा और है आगे, इतना लिखने के बाद आप यहाँ से और लिखेंगे इसे, या आप यहाँ से लिखेंगे नीचे वाला जी पोर्शन लिखना है आपको, इफ़ एनीबडी हैज़ कम थ्रो द की और हैज़, मतलब यहाँ से ये लास्ट तक लिखना है, यहाँ पर लास्ट में आप यहाँ पर आपको क्लास लिख देना है जितनी आपकी क्लास है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन में हमारा क्या दिया गया है इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि आपको लास्ट में ओरल टेस्ट के माध्यम से जो प्रोजेक्ट में, यहाँ पर आपको नकल बोली जाएगी और यहाँ पर आपसे किसी भी स्टूडेंट के बारे में, यहाँ पर मतलब प्रत्येक स्टूडेंट से दो या तीन लाइनें आपको किसी भी टॉपिक पर पूछी जाएंगी। तो ये आपके 5 नंबर का है। यदि आपने गणित के और सब्जेक्ट नहीं देखे हैं हर सोल्यूशन, तो यहाँ पर आपको वीडियो दिख रहा होगा, इन पर क्लिक करके आप उनका हल देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।